फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। आप वीडियोस इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आजकल हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कस्टमर के साथ। हमारे पास बंदे आते हैं कि भाई हमने ये कार्टेज मंगा ली है कि वो उस मॉडल में फिट नहीं हो रही है। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया है कि भाई ये ऑनलाइन वगैरह आजकल कार्टेज कस्टमर मंगाते हैं तो क्या होता है, ऑनलाइन में बंदे जो भी ऑनलाइन अमेजन वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगाते हैं तो मॉडल कोई और आना होता है कार्टेज का, और मॉडल कोई और आ जाता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक 803 नंबर कार्टेज होती है, कार्टेज का मॉडल होता है 803 नंबर। उसमें क्या होता है कि भाई आप जैसा बंदा प्रिंटर का मॉडल डालता है कि जैसा हमने ये किस मॉडल में लगती है 803 नंबर कार्टेज, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा, ये लगती है 1111 में, 1112, 2131 और 2132, ये चार मॉडल में 803 नंबर कार्टेज यूज होती है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमने मॉडल भी डाल दिया प्रिंटर का, फिर भी हमारे पास गलत कार्टेज आ जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अभी हमारे पास दो दिन पहले भी एक केस ऐसा ही आया था कि उन्होंने प्रिंटर का मॉडल सेम डाला तो उसमें उन्हें 803 नंबर की जगह 680 नंबर कार्टेज दे दिया। तो इस प्रकार के बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम लेके कस्टमर आते हैं कि भाई ये हमने कार्टेज ये मंगाना था, कार्टेज ये हमने प्रिंटर का मॉडल ये डाला तो कार्टेज तो उसमें 803 लग गई है और वो कस्टमर को कार्टेज आ जाती है आपकी 680 नंबर। तो इस प्रकार बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम से हमें कैसे बचना होगा, तो हमें इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना होगा कि हमें ये चेक जरूर करना है कि हमारे प्रिंटर के किस मॉडल में कौन सी कार्टेज लगी हुई है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, एक मॉडल आता है HP 1110 में, आपको मैं बता देता हूँ 803 नंबर कार्टेज लगती है। HP 1112 मॉडल एक आता है डैश जेट का, उसमें 803 नंबर कार्टेज लगती है। और HP 21, ये 21 वाली जो सीरीज है, 2100 वाली, 2130 वाली सीरीज जो है उसमें आपकी कार्टेज भी 803 नंबर ही लगेगी। और 2130 वाली जो सीरीज है, जैसे कि 2131 है और 2132 मॉडल है, ये सीरीज है एक इसकी, इसमें भी 803 नंबर ही कार्टेज लगती है। इन चार मॉडल में ही 803 नंबर कार्टेज यूज होती है। तो इस प्रकार आप इन चीज़ों से बचें कि आप कौन से प्रिंटर में कौन सी कार्टेज लगा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, जब सील पैक है तो आपकी कार्टेज वापस हो जाती है, यदि सील आप खोल देते हैं तो आपकी कार्टेज वापस नहीं हो पाती है। उस कंडीशन में पहले आप क्रॉस चेक कर लो कि आपके प्रिंटर का मॉडल क्या है। प्रिंटर का मॉडल 803 नंबर में बहुत मोस्टली देखा जा रहा है कि 803 नंबर कार्टेज के साथ ही ये हो रहा है, क्योंकि आजकल शॉर्ट लिस्टेड हो रही है कार्टेज, ये बंद कर रही है कंपनी, शायद ऐसा ही है। तो इस वजह से ये शॉर्ट लिस्टेड हो रही है, और ऑनलाइन वाली जो कंपनी है वो आपके साथ कुछ भी आपको कुछ भी बताएगी प्रिंटर का मॉडल ये डाल के कि ये है, तो आपको तो पता नहीं होता कि कौन सी कार्टेज लगेगी, 803 लगेगी या 680 नंबर लगेगी। इस प्रकार वो हमने देखा है कि 680 नंबर कार्टेज, 678 नंबर कार्टेज आपको ऑनलाइन सेल कर देते हैं। तो इस प्रकार ये आजकल बहुत हो रहा है, इसलिए हमने समझा कि एक को आपको समझाया जाए कि आप इस फ्रॉड से कैसे बचें। तो इस प्रकार आप ना चेक करके, एक क्रॉस चेक करके खोलने से पहले, हाँ मैं इसका आपको एक इस चीज़ से बचने के लिए कि आपका नुकसान ना हो, उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप करें कि कार्टेज खोलने से पहले आप प्रिंटर की सीरीज चेक करें कि प्रिंटर कौन सी सीरीज का है आपका, और कार्टेज पे वहीं पे कहीं पे ये लिखा होता है कि आपकी कौन सी कार्टेज किस प्रिंटर पे सपोर्ट करेगी। कॉर्नर पे आप देखोगे प्रिंटर के कार्टेज के साइड में, उस पर आपका पूरा मॉडल, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कैसे वो बताते हैं कि किस मॉडल में कौन सी कार्टेज लगती है। इस प्रकार कार्टेज खोलने से पहले आप अपना न्यू कार्टेज खोलने से पहले जो आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, जूम करो थोड़ा, तो आप यहाँ पे देखोगे ये पूरा मॉडल की सीरीज लिखी हुई है कि ये आपकी 678 नंबर की कार्टेज किस किस मॉडल पे लगेगी, किस किस सीरीज पे लगेगी। आपको इस वीडियो में नजर आ रहा होगा कि इसमें पूरा लिखा होता है कार्टेज के पैकेट पे कि कौन सी कार्टेज किस प्रिंटर में लगेगी। खोलने से पहले आप ये जरूर चेक करें कि आपका प्रिंटर सेम सीरीज का है या नहीं है। तो इस प्रकार हमने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है। आप प्लीज एक बार अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियोज आपके लिए किस तरह से यूजफुल होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको भी फायदा हो और दूसरे बंदों को भी फायदा हो। थैंक यू।